गाइस सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और जिन लोगों को पता नहीं होगा गाइस कि हमने पिछले वाले एपिसोड में हम लेकर आए थे अपने घर पे इन विलेजर्स को और उनके बनाए थे बहुत बड़ा घर, लेकिन गाइस वो बढ़ गया छोटा सा। हमने दोबारा से घर को रेनोवेट करा और इस घर को दोबारा मतलब बनाया। यार एक मिनट में मुझे तो उतरने दो। ओके गाइस, तो यार बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी इनको पहली बार तो इन विलेजर्स को लेकर आने में। गाइस मैं इन विलेजर्स को लेकर तो आ गया था, लेकिन भाई ये लोग दोबारा से मर गए पता नहीं कैसे। इन गोलम्स ने अपना काम ढंग से नहीं करा भाई। ये गोलम ने पता नहीं ज़ॉम्बीज की वजह से मर गया, दोनों विलेजर्स को मार दिया। मुझे जाना पड़ा दोबारा से तक मैं दोनों विलेज को मतलब दो विलेजेस और लेकर आया, उनको ब्रेड खिला के मैंने चार कर डाले इस बार। और मेरे पास तीन बेड एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, मैंने तीनों को यहाँ पे लगा दिया इनके बाहर सोने के लिए। और गाइज जो आपने पिछले वाला घर देखा था इनके लिए मैंने बनाया था वो थोड़ा छोटा था, इसलिए मैंने घर गाइस उस जगह को थोड़ा बड़ा करा और इस घर को मैंने बड़ा कर दिया। अभी आप लोग घर देख सकते हो यार कितना ही ओपी लग रहा है इनके लिए तो काफी है। और गाइस अंदर लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने यहाँ पे लगा दिया ये वाले जो नदर में मिलते हैं ना जिससे लाइट ग्लो करते रहते हैं, गाइस वही लगा दिए। मेरे पास अभी है नहीं, आपको दिखाता मैं। तो चलो गाइस, और भाई हम तुम्हारे भाई ने भी तुम्हें भाई को एक चीज और बता देता हूँ, उनको पहले बाहर चलते हैं ना भाई। चल गेट खुल भाई, गेट ओके गाइस। ये पता है भाई जब से मैं विलेजर्स घर पे आया ना ये गोलम्स यहीं पे घूमते हैं आसपास, ये जाते नहीं है भाई। आज हमें बहुत सारा काम करना है, तो मैं पहले विलेज का एक विलेज जाना पड़ेगा रेड मारने ताकि इनको गाइस इनको देनी पड़ेगी जॉब, वरना भाई दोबारा से मर सकते हैं। और खाना पीना देना पड़ेगा गाइस इनको ताकि अपनी ब्रीडिंग करें और ये बहुत सारे बन जाए। अगर इन्हें जॉब देंगे तो हमसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग करें बहुत तरह थोड़ा सामान ले सकते हैं, जो ये एंचेंटिंग चीज़ें वो हम इनसे भी ले सकते हैं। तो ओके गाइस अभी इस वक्त देख सकते हो मेरे पास ये जो पिकेक्स है गाइस इसके अंदर लगा हुआ है फॉर्च्यून 3। इसका मतलब ये कि गाइस अगर मैं इससे एक डायमंड तोड़ता हूँ तो मुझे उसके बदले तीन डायमंड मिलेंगे। और मेरे यहाँ पे लग चुका है बो में गाइस इनफिनिट गाइस, मतलब बस एक एरो की जरूरत है। अगर मेरे पास एक एरो हुआ ना गाइस उसके मुझे एरो की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऊपर से पावर 4 भी लग चुका है। सो फाइनली गाइस बहुत तरह तरह एंजॉयमेंट लग चुके हैं, पता नहीं कैसे लगे पर लग गए। और गाइस अब सामने देख सकते हो मेरा घर। और गाइस आज हम बनाने वाले अपने फार्म को गाइस, एक फार्म हमारे घर के सामने जो मेरे खाने के लिए गाइस, ये ब्रेड फार्म। लेकिन गाइस ब्रेड तो दे सकते हैं, ब्रेड ना गाइस पहले उस हे बेल्स वो कलेक्ट करो वीट, उसके वीट से बनाओ उनको, तो इसलिए गाइस बहुत दिक्कत हो जाती है। तो गाइस आज हम करने वाले जो इस जगह पे है ना सेम हम ऐसे बनाने वाले इस तरफ, लेकिन इस तरफ हमारा बनने वाला है फार्म और वो बनाएंगे इस पोटैटो फार्म। क्योंकि गाइस पोटैटो ज्यादा इजीली मिल जाता है और ज्यादा बहुत सारा मिलता भी एक ही प्लांट में। तो अभी हम चलते हैं से एक विलेज को रेट मारने से पहले मैं सारा अपना चेस्ट खाली कर लेता हूँ जो फालतू का सामान है मेरे पास। स्टोन्स रख लेते हैं मेरे पास, ये एक फालतू है ये ओके, जो जितना भी सारा फालतू ना गाइस उसे पहले रख लेते हैं। एक काम करते हैं पहले गाइस हम बना ही लेते हैं, जो हमें चीज़ बनानी है ना गाइस उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी चलते हैं से नीचे की ओर, पहले हमें यहाँ पे एक बाउंड्री बना लेते हैं। और जो खेतों का सामान है गाइस वो भी बनाना पड़ेगा ना हमें। तो मेरे पास सैंड बहुत सारा पड़ा हुआ है, इसमें बनाने का सैंड ब्रेक सबसे पहले। तो ओके यहाँ पे एक सैंड रखा, यहाँ पे एक सैंड रखा, मेरे ख्याल सैंड ब्रिक की रेसिपी यही होती है शायद से। ओके सैंड ब्रिक्स बन चुके हैं यहाँ पे, और सैंड ब्रिक्स बना लिया फटाफट से। तो चलो गाइस फाइनली हमने यहाँ पे सैंड वॉल्स सैंड से सैंड ब्रिक बना लिया। मेरे ख्याल से वॉल की रेसिपी मुझे याद नहीं आ रही, एक मिनट लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके तो वॉल की रेसिपी ओके गाइस ये है वॉल की रेसिपी, सारे प्लेस कर देते धड़ाधड़ यहीं पे, जितने भी हो सकते सारे प्लेस करेंगे भाई। सो फाइनली गाइस हमारे पास बहुत सारे वॉल्स बन चुके हैं। अब एक काम करते हैं, हमारे पास फेंस भी होने चाहिए गाइस। फेंस तो हमारे पास 26 फेंस है, मेरे पास और भी फेंस थे शायद से, शायद नहीं मेरे पास कंफर्म है, लेकिन मेरे पास इस फेंस की कमी पड़ चुकी है। तो एक काम करते हैं सैंड को रखो ऊपर और फेंस में कहते हैं वॉल्स की भी कमी पड़ सकती है। एक काम करते हैं जितनी वॉल्स है ना गाइस और थोड़ी वॉल्स बना लेते हैं, मेरे पास और भी सैंड पड़ी हुई है, बहुत सारी सैंड लेकर आ गया था मैं पहले ही, क्योंकि गाइस मैं वीडियो के बीच में लेने आता तो अच्छा नहीं रहता ना, इसलिए मैं पहली सैंड लेकर आ गया बहुत सारा। और क्योंकि आपको पता ही है गाइस मेरे घर के पिछवाड़े पे ये एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, तो उससे हम लेकर आ सकते हैं बहुत सारे। ओके यहाँ पे मेरे पास ये ओके सैंड है गाइस फाइनली, ओके सैंड है ये यहाँ पे मेरे पास अब आ गया गाइस, काफी वॉल्स हमारे पास। और एक काम करता हम इससे ओएक फेंस बना, उसमें हमारे स्टिक्स चाहिए होती है मेरे ख्याल से। ओके ओएक फेंस की रेसिपी तो ओके फेंस की रेसिपी होती है गाइस, यस हमारे थोड़ा बहुत स्टिक्स भी चाहिए यहाँ पे। मेरे पास स्टिक्स की ऐसे बहुत सारी स्टिक्स है मेरे ख्याल से, मेरे पास स्टिक्स तो होनी चाहिए थी गाइस। ओके ये रही गाइस फाइनली मेरे पास बहुत सारी स्टिक्स भी हो चुकी है, अब बना लेते जल्दी से फटाफट से फेंस। तो चलो गाइस हमने फाइनली फेंस ही बना लिया, अब एक काम करते हैं चलो हम जाके ऊपर जाते हैं फटाफट से और अपना सारा काम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ओके गाइस रात हो चुकी है, रात हो गई तो एक काम एक और कर लेते हैं कि हम गाइस होए बना लेते हैं। होए की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि गाइस हम करने वाले प्लांटिंग, और मेरे पास वाटर बकेट भी होना चाहिए गाइस मेरे पास। ओके एक वाटर बकेट है, एक और बकेट है, एक और उसको उठा लेते हैं। और जो अपना फालतू का सामान है पहले इसको अंदर रखवा देते हैं भाई, सब स्टिक्स की जरूरत नहीं है मेरे पास और प्लैंक्स की जरूरत नहीं है, बाकी इन सब की जरूरत है, इट वुड की भी जरूरत नहीं है मेरे को, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस काफ़ी इतना सामान। और मेरे को अभी चाहिए था क्या कहते हैं उसे जो भी बोलते हैं यार मुझे याद नहीं पड़ रहा, हो यस गाइस होए 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 मेरे पास था यार, होए होना चाहिए था होए। ओके गाइस एक ही होए पर ये टूटने वाला, तो एक काम करते हैं एक और होए बना लेते हैं मेरे ख्याल से। अब सुनिए दोबारा से स्टिक्स लेनी पड़ेगी यार मैं। ओके गाइस यहाँ पे एक होए मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, इतना होए मेरे ख्याल से काफ़ी है, अब जाकर फटे सो जाते हैं और सुबह उठ के अपना काम शुरू करेंगे। चलो भाई सुबह हो चुकी है और एक काम करना पड़ेगा, मैं दोबारा अंदर जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मेरे घर के ऊपर
आई हैव ज़ॉम्बीज। ओके तो अब हम इनको मार के अपना बदला लेंगे ना गाइस। तो चलो ओके पता नहीं यार, पता नहीं मेरे इसके अंदर ये डिस्क आया गाइस, पता नहीं आपको मैंने बोला था नहीं बोला था, लेकिन कैसे डिस्क आया कहाँ से मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को पता तो कमेंट में जरूर बताना कि इस तरह से डिस्क आया कहाँ से। ओके तो अभी हम चलते हैं फटाफट से यहाँ से, जो बाहर जाना पड़ेगा ना। तो ओके यहाँ पे भाई एक और फेंस लगाओ, यहाँ पे फेंस किसने लगा दिया? मैंने तो फेंस लगाया नहीं था यहाँ पे भाई, यहाँ पे जिसने फेंस लगाया ना उसने बहुत गंदा खराब करा मेरे साथ। तो चलो यार कोई ना, अभी हमें बनाना है बिल्कुल जैसे हमने उस तरह बनाया था, हमें सेम इस तरह बनाना है। और गाइज मैंने पहले से कंडीशन ले रखा है, जो आपको वो दूर ये ब्रिक दिख रहा है ना गाइज, यहाँ तक हमें खींचना है, मेजर करके आता है गाइज फाइनली। चलो उधर का मेजर भाई, इतना स्लो की दौड़ रहा है मेरा बंदा, खाया नहीं क्या भाई? खा पी ले यार, उसके बाद तेज भाग, इतना स्लो भाई तो कैसे होगा तेरा। ओके तो यहाँ पे मेरे घोड़े गाइज देखते, तो मेरे घोड़ों का घर, अभी मैंने घोड़े का घर तो मैंने सही कर रखा है पर लेकिन यार मेरे, ओके मैंने इसको बना रखा है बिल्कुल इस वाले ब्लॉक के ऊपर से, मतलब जो मेरे घर के, एक मिनट मैंने इस ब्लॉक से बनाया, किस ब्लॉक से बनाया, यहाँ पे मेरा ब्लॉक है, इस ब्लॉक से मेरे ख्याल से मुझे बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने एक बाउंड्री इस वॉल से बनाई है, तो इस ओके इस वाले वॉल से बनाई है ना, तो मैं इस वाले वॉल से काउंट करता हूँ। ओके गाइस जहाँ से पानी आ रहा है मुझे वहीं से कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू। तो ओके चलो फटाफट चलते अभी, पता नहीं गाइस मेरा प्लेन आज बहुत स्लो भाग रहा है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्यों। तो अभी हम जाना पड़ेगा फटाफट से उस जगह पर, पहले हमें इस जगह को मेजर करना है, रेडिस रेडिस कह रहा हूँ मैं बार बार, इस जगह को मीटर मेजर 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 ब्रो मेजर कहते हैं इसे, मेजर करना है फटाफट से, उसको तोड़ देना है। ओके गाइस हमें इस जगह से अपना काम, ओके ये स्लो की टूट रहा था, इस जगह से काम अपना शुरू करना है फटाफट से, हमें काम शुरू करते हैं अपने यहाँ से। सबसे पहले यहाँ से वॉल लगाना शुरू करता हूँ यहाँ पे जितनी, ओके दो ब्लॉक का गैप, दो ब्लॉक का गैप मेरे ख्याल से, दो ब्लॉक का गैप मैंने उधर भी दे रखा है, दो ब्लॉक का गैप काफी होगा। तो चलो गाइस फाइनली मैंने वॉल्स बना दिए, लेकिन ये भाई फार्म सच में वगैरह लिटरली बहुत बड़ा होने वाला है, पर लेकिन गाइस यहाँ पे आ चुकी है दिक्कत, क्योंकि मुझे इस सारी जगह क्लियर करना पड़ा। हम एक काम करते हैं डायमंड का लगाते ना गाइस, डायमंड इज द बेस्ट और जल्दी हो पाएगा गाइस। ओके यहाँ पे भाई मुझे बहुत सारा क्लियर करना पड़ा सबसे पहले तो मुझे, ओके मैं इस तरफ आ तो चुका हूँ लेकिन मेरा इस तरफ का वॉल मेरे ख्याल से इस जगह से शुरू है, तो मुझे अभी भाई अभी भी मुझे यहाँ से क्लियर, एक मिनट मुझे कहाँ से क्लियर कहाँ से करना है, यहाँ से क्लियर करना है गाइस भाई, तो बहुत ही इतना ऊपर का क्लियर करने जाऊंगा ना गाइस, मैं यहाँ पे 100 जिंदगी बीत जाएगी क्लियर करते करते, लेकिन क्लियर नहीं हो पाएगा वो भाई, बिल्कुल ही ऑफलाइन जाकर करना पड़ेगा, वरना तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना, जिंदगी बीत जाएगी वीडियो बनाते बनाते, कम से कम भाई 4-5 घंटे के आराम से वीडियो तो बनी जाएगी, और समझ रहे हो ना मतलब 4-5 घंटे, ये फिर वो मैंने कम बोल दिए शायद, मेरा ना यूट्यूब वॉच टाइम ये कम्प्लीट हो जाएगा, 4000 घंटे तो 4000 घंटे कम से कम लगेंगे गाइस। मेरा पिकेक्स देखो कितना फास्ट है, 2 मिनट। ओके गाइस मुझे ये जगह तोड़नी भी वैसे भी, क्योंकि मुझे यहाँ पे लगाने पड़ेंगे डर्ट भाई, बहुत काम है यार लिटरली, मतलब मुझे लगा नहीं था इतना महंगा पड़ जाएगा मुझे इतना बड़ा बनाने में। तो चलो भाई फाइनली हमने यहाँ पे पूरा कवर कर दिया, अब फटाफट अंदर का जितना भी सारा माल है ना उसको तोड़ते पहले फटाफट से। चलो गाइस तो चलो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे सारा क्लियर कर दिया, देखो गाइस मैंने यहाँ पे ग्राउंड भी पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया, अब बस मैं लाके डर्ट लगाने का कुछ देगा गाइस, मेरे पास डर्ट बहुत सारी पड़ी हुई है मेरे चेस्ट के अंदर, नीचे चेस्ट के अंदर। उससे पहले एक काम करते हैं, फिर इस वॉल को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ से ये वॉल खींचते हुए हम इधर सीधा लेकर आएंगे। मैंने कितनी वॉल खींची मुझे ये भी नहीं समझ नहीं आया, 1 2 3 4 5 6, एक मिनट गाइस मुझे एक बार क्राउंड करना पड़ेगा, 1 ऊपर चढ़ जाता हूँ ना मैं, ऊपर भी चढ़ सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वाले जैसे आ चुकी है, 8 हो गया, 9 9 10 11 12, ओके गाइस 12 बॉल आ चुके हैं, यहाँ पे 12 बॉल खींच देता फटाफट से भाई, यहाँ पे ज़ॉम्बीज बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15। तो चलो गाइस 15 15 बॉल यहाँ से मैंने खींच दिया, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी होगा भाई, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर देता हूँ इधर से, भाई मेरे पास वॉल्स लिटरली गाइस कम पड़ते पड़ते रह गए। चलो गाइस फाइनली यहाँ से हमारा काम हो चुका है, अभी काम करते हैं इसको तोड़, इसे फटाफट से तोड़ देते हम भाई, जितना भी सारा वॉल्स तोड़ना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, क्योंकि भाई इसको तोड़ेंगे तो हम अंदर कैसे आएंगे ना, इसको तोड़ना जरूरी है हमारा। वो भाई मेरी पिकेस देखा इसको इतनी फास्ट बन चुकी है अब, मतलब एक को तोड़ना चाहा सब टूट गया। तो चलो गाइस फ्रेंड्स अपने घर जाते हैं, घर से मिट्टी लेकर आते हैं बोले तो डर्ट। तो चलो गाइस फाइनली मंदिर की ओर आ चुके, और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा कॉबल स्टोन था, मेरे ख्याल से मेरे कॉबल स्टोन का, मैंने कॉबल स्टोन का चेस्ट बना रखा है यहाँ पे। ओके गाइस मैं सारे कॉबल स्टोन यहाँ पे रखवा देता हूँ, और यहाँ पे मेरे ख्याल से डर्ट पड़े 2-3 स्टक डर्ट काफी होंगे गाइस, मेरे ख्याल से 3 स्टक डर्ट हमने ले लिया है। अब चलते हैं फटाफट से बाहर, और उधर जाके ना हमें करना, सबसे पहले एक वाटर बकेट बनाना पड़ेगा, मतलब वाटर क्या कहते हैं वाटर, तो कैसे यहाँ पे मेरे पास वाटर की कमी तो है नहीं, क्योंकि भाई तुम्हारे भाई के पास है अनलिमिटेड वाटर पूल, समझ रहे हो ना। ये ले ली मैंने पानी, अब चलते हैं सीधा। ओके एक मिनट गाइस ये मैंने मारी छलांग भाई, यहाँ पे ये कब, अच्छा गाइस ये मैं शायद से ये बना रहा था घोड़े का घर, तो ये यहीं पे रह गए, काम करते तोड़ लेते हैं इनको भी भाई। भाई प्लैंक्स ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुके हैं, एक मिनट भाई मैं अंदर रख के आ गया, पहले तो उसे घेरना पड़ेगा, टेम्परेरी से घेर देता हूँ वरना अंदर आ जाएगा ना कोई भी तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलो गाइस यहाँ पे हमारा आ चुका है, अब हमें पहले से डर्ट का काम कर देता है फटाफट से, यहाँ पे भाई अंधेरा भी होने वाला है भाई, रात भर काम करना पड़ेगा यार मुझे भाई, फटाफट डर्ट लगाना पड़ेगा, मैं कितना कमजोर हूँ भाई डर्ट लगाने में, मतलब
वाटर बकेट दो है मेरे पास ओके। अब मुझे बस बनाना है अनलिमिटेड वाटर सोर्स ताकि हम यहाँ पे बना सके। एक मिनट भाई यहाँ पे नीचे ना मैं बता रहा हूँ लिटरली गाइस आप लोगों को बहुत सारे ज़ॉम्बीज है नीचे। ओके ब्रो ओ भाई शवल है क्या है ये ब्रदर। एक मिनट यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा, इसको भी तोड़ना पड़ेगा और इसको भाई, इसको तो मैं हाथ से तोड़ने वाला हूँ। मेरी शवल जो इस वक्त हो रखी है ना एकदम सुपर फास्ट भाई। नीचे तो बहुत सारी ज़ॉम्बी। एक मिनट काम करता, एक वाटर बकेट यहाँ से और एक वाटर बकेट यहाँ से। फाइनली अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन चुका है। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस जगह जगह पे गड्ढे। एक मिनट मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक पतली सी लेन खोल लेता हूँ, सोचा रहता हूँ मैं। ओके मुझे पतली सी लेन खोलने अपने पावरफुल शवल को निकालना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ से 1 2 3 4 4 लेन मेरे ख्याल से काफ़ी होगी। फिफ्थ लेन से हम खोद तो शुरू करते हैं। यहाँ से एक, यहाँ से भाई मुझे नीचे भी डर्ट लगानी पड़ेगी जहाँ तक लग रही है। ओके गाइस तो चलो गाइस फाइनली हमने डर्ट सारी लगा दी और अंधेरा हो चुका है भाई पूरा। यहाँ पे पूरा हमने डर्ट लगा दिया। अब समय क्या करना है, होइस से पहले अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाना है और यहाँ पे होइस से पहले हमें लगा देना है पोटैटो गाइस। उससे पहले मैं काम करता हूँ ना, सो के आता हूँ वरना बहुत बहुत दिक्कत होने वाली है रात भर। भाई शवल की रफ्तार देख लो गाइस मेरी, पता नहीं इस पर एफिशिएंसी, इस पर एफिशिएंसी लगी हुई है मेरे ख्याल से। एक मिनट देख लेता हूँ एक बार। ओके गाइस इस पे लगी हुई है एफिशिएंसी 4, फॉर्च्यून 2 और अनब्रेकिंग 3 गाइस। शायद से फॉर्च्यून 2 से मेरे को एक की जगह दो दो डर्ट मिलने लग जाए, कुछ भी हो सकता है गाइस। तो ये डर्ट मेरे पास आ चुकी है। अब यहाँ पे करता हूँ जो फालतू के डर्ट है ना यहाँ पे, इनको मैं बंद ब्लॉक बंद कर देता हूँ ताकि ना पानी यहाँ पे जब डालू तो ये खराब ना हो। भाई बहुत सारे करना पड़ेगा, मैंने कितना गैप लिया मैं देख लेता हूँ। 1 2 3 1 2 3 4 4 और फिफ्थ पे ब्लॉक। ओके गाइस 1 2 3 और फिफ्थ पे इसको यहाँ पे मैं 1 2 3 और ओके एक मिनट 1 2 मैंने यहाँ पे गलत करा मेरे ख्याल से। 1 2 3 1 2 3 4 अच्छा 4 है गाइज। ओके 1 1 2 3 4 और फिफ्थ पे यहाँ पे होगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे हमें लगाना है एक डर्ट ब्लॉक। 1 2 3 4 एंड फिफ्थ। ओ भाई अंदर ही पानी हो गया क्या घुसते ही? तो चलो गाइज यार अंदर पानी रख देते, कुछ नहीं हो रहा हमारा। एक मिनट एक काम करता हूँ ना, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ पे यहाँ, तो इसको थोड़ा नीचे से करते हैं यहाँ से। ओके ओके मैंने यहाँ पे डर्ट को लगा दिया। ओके यहाँ 1 2 3 एंड फोर्थ एंड फिफ्थ फाइनली 1 2 3 4 ओके ओके 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5 1 2 3 4 एंड ये वाला फिफ्थ। चलो गाइस फाइनली हमारा काम हो चुका है। बस जितनी भी सारी जगह देख रहे हैं बस हमें उन सारी जगहों को मेरे ख्याल से ना यहाँ पे हमें वाटर सोर्स ना ही बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो सकती है वाटर सोर्स में। एक काम कर बना देते यार, मैं पहले शवल देख रहा फास्ट शवल है ना, 2 मिनट में सारा शवल मतलब डर से तो ऐसे की तैसी कर देगा भाई। ओके मैं यहाँ पे नीचे गिरने वाला था मुझे पक्का पता। ओ भाई नीचे से भाई नीचे क्रीपर भी है भाई साहब। एक काम करता भाई ये आवाज़ वरना करते रहेंगे, तुम्हारा भाई जाने वाला खतरों के खिलाड़ी बनने भी। पहले एक काम करता, कितने बंदे देख लूँ पहले खतरों के खिलाड़ी बनने के चक्कर में। क्रीपर कहाँ से आ गया मेरे भाई? एक मिनट यार क्रीपर ने सत्यानाश स्पीड देगा मेरा, तेरी भैंस की निकल यहाँ से, भैंस की निकल यहाँ से। मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा भाई, फटी मत फटी मत फट। ओके चलो गाइस फाइनली मर चुका है यहाँ पे। अब भाई नीचे बंदे दिखाओ, कितने बंदे तुम्हारी है भाई? फटना नहीं था यार, फटना नहीं था। एक मिनट वेट अ सेकंड ब्रो, वेट अ सेकंड भाई। डायमंड की स्वॉर्ड लेगा ना पुन, चल निकल यहाँ से भाई साहब। फ्लेम लगा हुआ है तुम्हारे भाई में, ये दे ये ले बेटा। तुम्हारे भाई का बो भी, एक मिनट रुको भाई इनको बो से बताता हूँ भाई साहब। भाई मेरे हाथ क्यों लगा दी तूने यार? चल भाई बच गया फाइनली। ये तू मर फटाफट से मर 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 मर। ओके मेरे पास यहाँ पे बो, भाई 1v1 करेगा मेरे से बेटा, पावरफुल बो है ना इतनी। तू भी आ बेटा तू भी आ। भाई नीचे कहीं ज़ॉम्बी भाई वो तो नहीं है नीचे कहीं? अरे भाई साहब लिटरल यार यहाँ पे भाई साहब, इसको तो मैं हेड ही मारूंगा देख सीधा, पर इसके पट से हेड पड़ेगा। एक मिनट इसके मारता हेड, चल तेरी भैंस की टांग भाई। यहाँ पे नीचे पक्का मैं बता रहा हूँ लिटरली गाइस, यहाँ पे नीचे ना वो है स्पॉनर वॉनर हो सकता है नीचे। एक और बंदा, तू भी निकल निकल चल। और भाई साहब बच गया लिटरली भाई। ये केव मेरे घर के नीचे बनी हुई है मुझे पता ही नहीं। एक मिनट मेरे पास टॉर्च नहीं है गाइस। भाई साहब मेरे घर पर जो तगड़ी केव बनी है मेरे को पता ही नहीं भाई। अभी तो ऊपर चलो, ऊपर काम करना है, यहाँ से आयरन तोड़ लेता फटाफट जितना भी सारा आयरन है भाई। यहाँ पे आयरन बहुत सारा था वैसे तो। ओके चलो गाइस पहले यहाँ पे आयरन मिल चुका है हमें यहाँ पे, क्योंकि आयरन की जरूरत पड़ती रहती है हम सबको। यहाँ पे आयरन हमारे पास बहुत सारा है,
जितना भी सारा आयरन मिलता है सब तोड़ लेते, फटाफट से ऊपर चलते हैं भाई। ओ भाई एक और ऊपर। अबे भाई मेरे पास फूड भी नहीं है गाइस। चलो भाई तुम्हारा भाई बन गया तीरंदा। उबे भाई क्रीपर तेल तेरी भैंस। एक मिनट उसको नहीं मारना भाई, उसको मार देना गलती से, वो मेरी खोपड़ी खोल देगा अभी, लिटरली बता रहा हूँ। यहाँ पे भाई सब, यहाँ पे इतना सारा सामान था ना, इतना सारा सामान, मतलब इतने सारे जॉम्बी स्क्रीपर भरे पड़े थे ना यहाँ पे भाई सब, लिटरली। मैं तो यार उसने तो सत्यानाश कर दिया मेरे, उसने फार्म का यहीं पे आके फटा है सी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, एक और मर जा भाई मर। हाँ बेटा तू ऊपर आ, चल तेरी ऐसी की तैसी। तो चलो गाइस फाइनली हमने यहाँ पे सारा क्लियर कर दिया। मेरे ख्याल से मुझे इसके नीचे ना एक और लेयर बनानी पड़ेगी जब मैं अपना काम करूंगा। तो भाई पहले तो ऊपर चलो भाई, वरना यहाँ पे मैं तुझे सत्यानाश स्पीड दिया ना, मुझे सारा भी सही। ओके तो गाइस ये ज्यादा हमारे अंदर कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ है बाहर की हुआ, तो हम बच गए फाइनली। चलो यहाँ पे जितना भी फालतू का सामान है ना पहले डर्ट यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना आए। भाई सभी ने क्लियर तो बहुत अच्छा से करा है वैसे, पर इसने बाहर का करा ये जान के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई इस वक्त। सारा मुझे दोबारा रिपेयर करना पड़ेगा एक इसके लिए सबसे पहले। तो भाई सर क्रीपर, भाई एक काम करते ना क्रीपर या गेम से हटा दो मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि कीपर यार बेस्ट चीज लगती है मुझे तो, सच बता रहा हूँ। तो चला गए हम अंदर की ओर, आ चुके इस वक्त यहाँ पे, और यहाँ पे डर्ट सारा हमने फिल कर दिया बिल्कुल अच्छे से। अब बस हमें कुछ नहीं करना, जो एंड वाला डर्ट है ना उसे हमें खोद, अच्छा हमें तो यहाँ पे वैसे लगाना ही नहीं है ना डर्ट गाइस। ओके तो चलो भाई यहाँ पे डर्ट चले हम खोदना शुरू कर दोबारा से अपने श्रवल से, अपने पास श्रवल तो है ना गाइस। ओके तो हमें क्या करना है, नीचे वाले पार्ट पे डर्ट लगाते जाना है बस, सिंपल यहाँ पे डर्ट लगाना है बस। नीचे दोबारा जॉम्बीज आ गए, मुझे नीचे लाइट लगानी पड़ेगी सबसे पहले, बहुत सारी टॉर्चेस भरनी पड़ेगी ताकि जॉम्बी स्पॉन ना हो यहाँ से। चलो तो पहले इसको तो ओके गाइस ये एंड का ना एंड में छोड़ देगा गाइस। नहीं यार एक काम करते सारे तोड़, एक काम करते गाइस इस बाउंड्री को छोड़ देते हैं और एंड की बाउंड्री को छोड़ देते हैं। तो चलो भाई यहाँ मैं दोबारा से डर्ट लगा देता हूँ फटाफट से। तो फाइनली यार डर्ट लगाने का काम बहुत ईजी है, तो मैं काम करता हूँ फटाफट से डर्ट लगाता हूँ ना, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे सारे गड्ढे खोद दिए। देखो गाइस यहाँ पे मैंने एक गड्ढे यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, भाई यहाँ पे आयरन है तो कोई बात नहीं गाइस। यहाँ पे मैं दो दो का गैप बना दिया, जो एंट्री करते हुए गाइस यहाँ पे दो पूल बनेंगे, यहाँ पे सिंगल सिंगल पूल मैंने बना दिए। अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सारे वाटर बकेट भरने और सबके अंदर बस पानी डालना है। एक वाटर यहाँ से वाटर बकेट भाई एक ही सारे दोनों साथ भर लेते हैं ना फाइट, और जहाँ पे एक खत्म हो रहा है ना गाइस वहाँ पे एक और डालना है, फिर जहाँ पे खत्म हो रहा है फिर वहाँ पे एक और डालना है। तो बस हमें यही करते रहना पूरे उसके अंदर। तो चलो गाइस मैंने फाइनली देखो सारे गड्ढों के अंदर पानी भर दिया, यहाँ पे बिल्कुल अच्छा फ्लो मेंटेन हो चुका है यहाँ पे गड्ढों के अंदर। मैंने अच्छे से नहीं भरा गाइस, इतना काफी होगा। अब बस मुझे कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे डर्ट है ना यहाँ पे जो मेन ब्लॉक है मेरा, मतलब जो ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे वाटर कलर कर लेते हैं और फिर इसको ब्लॉक कर देते हैं। भाई रात भर मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि गाइस वरना ये काम पूरा नहीं होने वाला, इसलिए मैं रात भर भी काम करूंगा। और अब कुछ नहीं करना गाइस, जो आप यहाँ पे पिकेक्स शवल छोड़ो यहाँ पे होए होगा हमारे पास, बस हमें इन दोनों होए को यहाँ पे रखना है और दोनों होए से हमें काम बस करते जाना है। अब मतलब अब बस हमें पता क्या करना गाइस, देखो यहाँ पे ऐसे कर देना है बस ये देखो, और जैसे ये ब्राउन हो जा रहा है इसका समझ लो गाइस ये डर्ट गलत लग गया हमारे यहाँ पे, यहाँ पे नॉर्मल डर्ट लगेगा। जैसे ब्राउन होता जाना है इसका समझ लो गाइस ये वाटर से मतलब ये फार्मिंग के लिए लैंड बनता जा रहा है, समझ लो इतना समझ लो गाइस। तो चलो गाइस फाइनली हमारा सारा काम पूरा आ चुका है क्या, अब आप लोग देखने तैयार उस चीज को गाइस। इस बार वो बहुत ही ऑसम लग रहा है, मैंने पूरा सो कर दिया है गाइस, अब आपके सामने आने वाला है गाइस। फाइनली देखो गाइस हमारा पूरा फार्म बन चुका है यहाँ पे, कितना बड़ा मतलब हमारा जो उधर जो फार्म है उससे दुगना, मतलब गाइस 105 times बड़ा फार्म है, इतना बड़ा इतना और इतना ऑसम लग रहा है। यहाँ पे मैंने तो बड़ी जगह छोड़ रखी नहीं गाइस, ये अपने एंट्रेंस के लिए छोड़ रखी, और बाकी तो आप देख सकते हो भाई कितना ऑसम लग रहा है फार्म दिखने में भी। अब बस हमें पता है क्या करना है, यहाँ पे आगे पोटैटो लगाने पड़े सबसे पहले, इतने सारे पोटैटो है ना गाइस वो सारे लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पे मेरे पास इतने सारी मतलब इसके बाद में दो हुआ और बना के लाया था, उसमें से एक और टूट गया और ये वाली बची है गाइस जिससे हल्की सी इसकी लाइफ कम हुई है भाई, लिटरली यार बहुत सारा काम था। तो चलो गाइस अभी मुझे क्या करना है, जो हमें सारे पोटैटोज जितने भी सारा हमारा खाने का सामान है, ओके सारा खाने का सामान तो मेरे नीचे वाले चेस्ट में है, अब बस हमें वो लगाना है और एक हमें विलेज में जाना है ताकि हम रेड मार सकें, विलेज को काम दे सकें। ओके गाइस यहाँ पे 32 पोटैटोज है मेरे पास, इस बार मुझे ये लगाना है और बाकी सारा सामान वापस रखवाया था अपने इसके अंदर चेस्ट के अंदर। मेरा आर्मर चेस्ट वाला कहाँ गया, ओके आर्मर चेस्ट मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे मैं रखवाया था अपने जितने भी सारे जो फालतू के, एक मिनट कॉल सुना यहाँ पे रखवाया था फालतू का सामान ही, ये फालतू नहीं है गाइस, फालतू का सामान मेरे इस वाले चेस्ट में जाएगा जो ये स्ट्रिंग ये। ओके गाइस गन पाउडर भी यहीं पे रखवा देते हैं, आयरन हम रख देते हैं स्मेल्ट होने के लिए क्योंकि आयरन हमारे पास, ओके यहाँ पे आयरन में स्मेल्ट हो रखा है बहुत सारा पहले भी। और यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे जितना भी सारा आयरन है ना गाइस उसको यहाँ पे रखवा देते हैं। तो चलो गाइस यहाँ पे सारा फाइनली सामान समेट लिया है, और मेरे ख्याल से ना ऊपर अभी एक जॉम्बी आया हुआ है जहाँ तक मुझे लग रहा है, मुझे आवाज़ तो आ रही है जॉम्बीज की ऊपर से, एक मिनट भाई इनको बताता हूँ अभी। ओके गाइस देखो मैंने जैसे कहा था भाई, पता अब मेरा ये वर्क बहुत अच्छे से कर रहा है और इससे तो अपने को एक्सपी मिलती रहती है गाइस, इससे मेरी 11 XP हो चुकी है, पता नहीं 11 कैसी पर हो गई, 11 XP में मरा था क्या, मरा भी नहीं यार मैं तो, 11 XP कैसे होगी मेरी।
पता नहीं यार गाइस, चलो कोई ना, जो भी होगा देखा जाएगा बाद में। अभी पे समय क्या करना है, इन जो 32 पर्ड है गाइस, मैंने 32 पर्ड बचा रख लेते ताकि ये जॉम्बी मतलब ये अपने विलेजेस को दे सकूं। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस हमें ये क्यों खा रहा है भाई, तुझे ये खाना है यार, ये तो खुद ही खा रहा है पहले। तो चलो गाइस अपने पेट पूजा करते हैं, फिर काम दूजा करेंगे। तो चलो गाइस फाइनल पेट पूजा भी हो गया, फ्रॉड सारे यहाँ पे लगाते रहता है, जितने भी सारे लग सकते हैं। तो पहले गाइस मैंने यहाँ पे लगा दिया, चाहे तो गाइस मैं अपने विलेजेस को ब्रेड भी खिला के कर सकता हूँ, लेकिन गाइस ब्रेड ना वो आपको मैंने बताया बहुत टाइम लगता है। और जो हम पर्टो कर सकते हैं गाइस, वो हम एक ही पर्टो से बहुत सारे पर्टो मिल जाते हैं, जिसके से हम और उगा सकते हैं उसे। और अब हम चलते सीधा विलेजेस को लूटने। तो गाइस देखो मैंने सारा सामान सामान कह रहा हूँ समेट लिया है, अब चलना है फटाफट से अपने विलेजेस को लूटने के लिए भाई। ओ गाइस साइन देखो, सारा खाना पक चुका और इनकी ऐसी की तय। चलो गाइस फाइनल चलते बाहर की ओर, अभी हमें जाना है विलेज को लूटने। मतलब विलेज मेरे ख्याल से मेरा जो पिछला विलेज था, जो यहाँ पे था इस तरफ, उसको मैंने लूट लिया। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। चलो गाइस फाइनल हम आगे जाएंगे और यहाँ पे जितने भी एक विलेज मिलेगा ना विलेज गाइस, उसको लूट लेंगे। वैसे मेरे विलेज से सामान तो आना चाहिए यहाँ पे, वैसे यहाँ पे हमारा चेस्ट आ रखा है पहले से ही। चलते फटाफट से अंदर भाई, इसके अंदर क्या रोटन फ्लैश आया होगा पक्का बता गाइस। इसको हम काम करते हैं, वापस भेजो भाई इसको, चल निकल वापस। अब हम चलते हैं यहाँ से वापस इस तरफ से, यहाँ पे निकलेंगे हम इस तरफ से, ताकि हम जो हमारे जो विलेजेस है गाइस, क्योंकि मुझे लग रहा है विलेज सामने हो सकते हैं, क्योंकि सामने एक पोस्ट प्लेजर टावर भी है गाइस। उस प्लेजर टावर को मैंने एक बार हरा चुका हूँ, डिफीट गाइस तुम्हारे भाई ने उस प्लेजर टावर को भाई, इतने खतरनाक तरीके से मारते ना बंदे वहाँ पे। तो चलो यार अभी हम जा रहे हैं विलेज के पास सबसे पहले, तो ऐसे हम ढूंढते निकलेंगे विलेज सबसे पहले। तो चलो गाइस मैं फाइनली अपने घर से बहुत दूर आ चुका हूँ भाई। यहाँ पे देखो गाइस पूरा फ्लावर भाई, मेरे पास अभी तक मेरे को एक ही विलेजर नहीं मिला, और विलेजर नहीं मिला सामने, एक मिनट गाइस सामने एक विलेज है। और भाई मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, मेरे को विलेज नहीं मिला, पर सामने मैं फाइनली गाइस मुझे एक विलेज मिल चुका है गाइस। यहाँ के पेड़ पौधे देखो कितने डार्क है, ये वाले बिल्कुल ही अलग है भाई, और ये वाले देखो गाइस बिल्कुल ही अलग, दोनों डिफरेंट है कितने गाइस। फाइनली हमें यहाँ पे इतना एक विलेज मतलब विलेज मिल चुका है, और इसके अंदर जितना भी सारा सामान है गाइस वो लेके जाने वाले अपने घर पे, ताकि अपने विलेज को जॉब दे सके और उनसे काम करवा सके गाइस, उनसे ट्रेडिंग भी कर सके। ट्रेडिंग करने का गाइस बहुत सारा सामान मिल जाता है। चल पीगी हट यहाँ से। चलो गाइस फाइनली निकलते हैं यहाँ से अंदर भाई, यहाँ पे रात भी जो है, एक काम करता हूँ ना किसी विलेज से घर जाकर अंदर जाके सो जाता हूँ भाई वहाँ पर। गोलम भाई साहब चच्चा अपने काम पे लगे पड़े बिल्कुल ही खतरनाक तरीके से। ओ भाई हट जा, चल मुझे सोने थे। तो चलो गाइस फाइनली मैं यहाँ पे सो चुका हूँ, और भाई इन विलेज को आज मैं इन विलेज का सारा सामान लूट के ले जाने वाला हूँ गाइस। यहाँ पर जितना भी सारा सामान है ना वो सारा ले जाऊंगा। पहले मुझे चले ये चाहिए गाइस, सबसे पहली चीज़ ये बेड। ओके गाइस फाइनली मैंने बेड ले लिया, गेट की जरूरत। अबे गेट बंद के जा रहा है भाई साहब, एक काम करता हूँ यहाँ पे थोड़ी लकड़ी भी है, लकड़ी भी तोड़ लेता हूँ फटाफट, सारी लकड़ी तोड़ लूँगा गाइस। और ये जो स्टेयर है ना गाइस, इसको भी तोड़ लूंगा गाइस। मुझे पता है ये बनाने बहुत इजी है, पर तोड़ने में टाइम लग रहा है, पर लेकिन इसको तोड़ने में बहुत मजा आता है, इसलिए मैं तोड़ रहा हूँ गाइस। अबे भाई टूट जा यार फटाफट। तो भाई ओ भाई भाई सॉरी विलेजर भाई, सॉरी 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 ब्रो सॉरी। ओके गाइस ये क्या है, अबे ये टूट गया तो ग्लास। अच्छा भाई कहाँ चाहिए, ओके ये तो टूट गया यार भाई इसके, ये भी तोड़ लूंगा भाई। और गाइस आपको मैंने अपने पेज स्पीड दिखाऊंगा गाइस, बस मुझे एक क्लिक करना है, एक क्लिक में सारा भाई सारे स्टोन टूट जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे एक चीज पड़ी हुई है, ओके गाइस जिसे क्या कहते हैं मेरे ख्याल से ये है कंपोस्टर। ओके गाइस ये कंपोस्टर, यहाँ पे कैरेट्स पड़े हुए, यहाँ पे पटेटो तो है नहीं इसके पास, तो यहाँ से निकलते हैं गाइस फटाफट से। ओके गाइस यहाँ पे गोलम भाई साहब मेरे तरफ ही आते हुए भाई। ओ भाई नीचे कोई कम, ओ भाई नीचे इतना सारा हेबेल पड़ा हुआ है, और ये मैंने मारी हेबेल पे छलांग। फाइनली गाइस मैं सारा यहाँ से हेबेल उठाने वाला हूँ भाई। हेबेल स्लो को टूट रहा था ना, किससे टूटेगा मेरे ख्याल से, इससे टूटेगा भाई, इससे भी स्लो टूट रहा है यार, ये तो सबसे स्लो टूट रहा है। काम करते इसे तोड़ लेता फटाफट से भाई, मैं बहुत सारा हेबेल पड़ा हुआ है यार, सारा तोड़ लूंगा मैं। सो भाई यहाँ पे बहुत सारा मिल रहा है, इस वजह से बहुत सारा सामान है भाई। गोलम मेरा पीछा क्यों कर रहा है भाई, क्या हो गया चच्चे। तो गाइस यहाँ पे मैंने बहुत सारा हेबल कलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे इनके पास देखो गाइस नीचे यहाँ पे ना, यहाँ पे एक वो भी है केव। ओके अबे केव तो शुरू होते ही खत्म। ओ भाई यहाँ पे एक मिनट गाइस, ये केव शुरू होते ही खत्म नहीं हुई, ये केव बहुत ही नीचे जा रही है, मतलब यहाँ पे। ओ भाई नीचे एक विलेजर भी है भाई, छोड़ यार तेरे को बाद में बचाऊंगा मैं, पहले मुझे यहाँ से निकलने के बाद। मेरे पास विलेजर बहुत सारे हैं, मैं अगर इनको ले जाऊंगा ना यहाँ से, मतलब उनको ब्रीडिंग करवाऊंगा तो वो बहुत सारे बन जाएंगे, और जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस यहाँ पे मुझे पहले तो मुझे चाहिए होंगे इनके लिए बेड गाइस, ये एक और बेड तोड़ा मैंने येलो कलर का भाई, यहाँ पे येलो कलर का बेड अच्छा लग रहा है दिखने में यार गाइस। अब बाहर निकल यार, ओ भाई ये क्या है, ये किसे टूटेगा। ओके ये से टूट रहा है, और ये वाले अच्छा तो मेरे को पता है ये क्या है गाइस, वाइट टेराकोटा। ओके जो भी भाई सारा ले लूंगा, घर में थोड़ा तोड़ दूंगा भाई, तूने अच्छी चीज दी मेरे को उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तो सारा तोड़ दूंगा भाई साहब। ओ भाई साहब बहुत सारा सामान ले लिया मैंने इस पर घर से, उसका घर मैंने पूरा आधा तोड़ दूंगा भाई साहब लिटरली। सॉरी ब्रो मुझे करना पड़ रहा है, मुझे सारा सामान चाहिए इस वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है मुझे अपने घर। तुम्हारे तुम लोग तुम्हारे भाई का घर बना रहा हो यार, है ना गाइस, इनके भाई का घर बना रहा हो, देखो कह रहे हाँ चल भाई तू भी आ जा। ओ भाई उसके पास तो बड़ा सामान है यार, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले यार, यहाँ पे बड़े खेती बाड़ी कर। एक और दोनों दे मेरे को, पोटैटो था यार
तो चलो गाइस कोई नहीं, प्रोडक्ट बाद में लेंगे। ओ भाई यहाँ पे क्या, ये क्या है, ट्रैप। अच्छा ये तो ट्रैप डोर है गाइस, ओके ट्रैप डोर ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ भाई यहाँ से, भाई मुझे पता है मैं शायद क्राफ्ट कर सकता हूँ, पर भाई लेके मैं यहाँ से चले जा रहा हूँ भाई, चोरी करने का अलग ही मजा आएगा जो ही बोलो भाई। चलो काफी इतना ट्रैप डोर, एक मिनट अंदर कुछ तो कर रहा है ये, ले पौधे हट जा भाई, अंदर कुछ तो कर रहा है। ओके ये क्या है भाई, एक मिनट ये क्या है, मेरे ख्याल से ये ब्लास्ट फर्नेस। ओके ये वाले पत्थर तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, इन्हें भी तोड़ लेता हूँ। और ये तो स्मूथ स्टोन है, स्मूथ स्टोन भी रख लेता हूँ, इनकी काम है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास, वैसे ही बहुत कोल की कमी पड़ जाती है, तो इसलिए मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से। तो चलो गाइस ऊपर भी घर है, ऊपर चलते हैं फटाफट से। अब अबे भाई एक तो इन्होंने पता नहीं घर, पता नहीं कौन से मंजिल जाके बना रखा है भाई तेरे घर में। ओके गाइस मिल गया फाइनली, एक बेड और मिल चुका है हमको यहाँ पे। तेरे पास क्या है भाई, तू बता, तू भी एक और बेड। एक मिनट बेड उठा क्यों नहीं रहा, वेट अ सेकंड यार, इनको फेंको यार बेड उठाओ सबसे पहले तो भाई, क्योंकि मुझे बेड ना बहुत सारे चाहिए यहाँ पे। ओ भाई इसके पास वाइट टेराकोटा है, एक मिनट मुझे लगा, एक मिनट मुझे डाउट सा हुआ भाई, कुछ तो गड़बड़ है इस घर के अंदर भाई, और मेरा डाउट सही निकला भाई आप लोगों के साथ बिल्कुल। मैं यहाँ पे देखो व्हाइट टेराकोटा यहाँ पे सारा लूट लूंगा, और कैसे अगर व्हाइट टेराकोटा ना कुछ अच्छी चीज लग रही है, तो अगर आप लोगों को पता तो कमेंट में जरूर बताना। एक मिनट अभी कुछ लैग सा हुआ ना, तो चलो गाइस फाइनली हम चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे चिमनी बना रखी थी फुल, तो इसके बाद घर का चलता भाई। अब घर के गेट से कौन जाता है भाई, सीधा हम यहाँ से मारेंगे एंट्री। ओके गाइस यहाँ पे, ओके गाइस यहाँ पे हमें मिल चुका है एक, ये जो जो भी भाई मेरी पिकेस इतनी फास्ट हो चुकी है ना भाई, बताओ। चलो गाइस कोबलस्टोन फेंकते ये उठा लेते हो भाई। ऊपर क्या है, एक मिनट भाई ऊपर भी कुछ होगा ना बढ़िया। अबे ऊपर कुछ तो भाई, ये चीज़ क्या, अभी एक और माला है इसके ऊपर, थर्ड फ्लोर पे भी है भाई साहब, भाई का घर। ओके यहाँ पे भाई यहाँ से पूरा व्यू आता है विलेज का। ओके गाइस चलो फाइनली कुछ नहीं है इसे घर के अंदर, इसके विलेज के इसके घर के अंदर चलते हैं भाई साहब। अबे ये टूट ही नहीं रहा यार, पेड़ तोड़ो भाई फटाफट अंदर जाना हमें। एक मिनट ये क्या है, ओके गाइस इसने यहाँ पे कुछ तो लगा रखा है, इसको भी तोड़ लो भाई। एक मिनट टूटेगा किससे भाई, ओ भाई इस... तो चलो गाइस फाइनली हमने यहाँ पे तोड़ तो लिया, पर लिखने की जगह नहीं है, तो फाइनली हमने इसको भी रख लिया यहाँ पे। ओ भाई चेस्ट अंदर, अच्छा एक ब्रेड है, और यहाँ पे फालतू का सामान, यहाँ पे एक और कोल्ड ड्रिंक, और यहाँ पे ये। तो चलो गाइस फाइनली हमने सारा सामान तोड़ लिया यहाँ से भाई, जितना सारा सामान मिलने इस विलेज से। पहले तो यार इनको हटाओ, पता नहीं ये घास फूस पता नहीं कहाँ से भी आ जाते हैं। ओ भाई एक मिनट, फैंस की तो जरूरत थी मुझे वैसे भी, तुम्हारे भाई को फैंस की बहुत जरूरत है भाई, यहाँ पे फैंस की ना बहुत कमी पड़ रही है मुझे पक्का पता, मुझे फैंस की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। पर मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि सारी चीज़ें जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ये सब मेरे घर के अंदर पहले से पड़ी हुई है। ओके ये कौन है भाई, मेसन, मेसन। ओके गाइस ये मेसन है, इसका भी तोड़ लेता हूँ सामान, जितना भी सारा सामान है ना गाइस आज सारा चलने वाला है मेरे साथ। ओके भैया प्लैंक्स का मुझे कुछ नहीं करना, प्लैंक्स फेंक देता हूँ यहाँ से। और भाई ये क्या है, एक मिनट जो ये कुछ तो बढ़िया है यहाँ पे, एक मिनट क्या फेंकूँ मैं इसकी जगह, क्या फेंकूँ मैं, क्या फालतू का सामान है, टॉर्च फेंक देता हूँ गाइस। ओके ये टेराकोटा है और एक है वाइट टेराकोटा। ओके गाइस इसका क्या काम है आप लोग अगर पता हो तो कमेंट। ओके तो ग्रेवल है यार, ग्रेवल नहीं चाहिए, हट बे सामने से भाई साहब, तुम्हारी ऐसी कि तैसे में घर नहीं खोलोगे। बेड दे बेड भाई साहब, यहाँ पे इतना सारा सामान है ना, बेड भी ले लिया मैंने। चलो यार फाइनली हमने बेड भी ले चुके हैं यहाँ से भाई, यहाँ पे घर के अंदर कैसे फंस गया यार मैं इनके। इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, तोड़ो फटाफट तोड़ो। अबे यार मैं इसी को तोड़ रहा हूँ, जाओ भाई तुम लोग भी आजाद हो गए हो। फाइनली गाइस हमने बहुत सारा सामान कलेक्ट कर लिया यहाँ से, तो वैसे तो इसके अंदर, ओ भाई इसके अंदर एक और बेड भाई, लिटरली यार बहुत सारा बेड मिल गया हमें। तो एक काम करता हूँ मैं ट्रैप डोर फेंक देता हूँ, बेड ले लेता हूँ यहाँ से, ब्रेड की ना बहुत जरूरत है। और सामने गाइस फाइनली लास्ट एंड लास्ट विलेजर बचा है, मतलब लास्ट विलेजर का हाउस बचा है, मैं क्या कह रहा हूँ, लास्ट विलेजर बचा है, लास्ट विलेजर का हाउस बचा है, उसके अंदर हमें मिल चुका है बेड। बेड इसी जगह क्या फेंकूँ मैं, एक काम कर देता हूँ यहाँ पे शवल फेंक दूंगा गाइस। नहीं यार शवल नहीं फेंक रहा, छोड़ो यार कुछ नहीं फेंक रहा, बेड की जरूरत नहीं, मैं बेड बना लूंगा वापस। तो फिर निकलते अपने घर की ओर, जो काम जब पहले और क्या काम है गाइस उसका आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि किस चीज़ का हमें कौन सा जॉब देना चाहिए, उसे मैं देख के दे दूंगा अभी जॉब। पर उनसे हम क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं ये लोग आप कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ पे एक और घर है, इसका नहीं पता नहीं इसका यही होगा टट्टी सा, चल तू ये भी दे। अबे टूटता नहीं ना एक तो, बहुत दिक्कत होती है। चल सामने से मेरे मुंह के सामने आया, ओ भाई यहाँ पे घंटी है यार, एक मिनट ये तो टूट तो गया पर मेरे अंदर मेरे पास नहीं आया। काम करता हूँ मैं यहाँ से ना, हेबल नहीं गाइस ये फेंक देता हूँ गाजर। तो चलो गाइस फैन हमने गाजर फेंक दिया, इसको तोड़ लेता फटाफट से भाई, टूट नहीं रहा इससे, एक मिनट रुको। ओके फैन टूट चुका है केक से, अब चलते हैं फटाफट से अपने। ओ भाई कैसा घर है, अच्छा ये घर तो मैंने तोड़ा गाइस। चलो यार फटाफट निकलते अपने घर की ओर, अब जाके हमें जॉब देनी इनको और विलेज को बहुत तरीके से बड़े करने हैं। तो चलो गाइस फैन हम घर पहुंच चुके हैं, सामने आप लोग हमारा रेल देख सकते हो, और वो हमारा रेल स्टेशन, रेलवे स्टेशन गाइस। हम पहुंचने वाले अपने घर के पास, और घर जाते पहले हम गएंगे अपने विलेज को जॉब। भाई साहब यहाँ पे बहुत सारा ना, यहाँ पे मतलब बहुत सारी हरकतें हो गई थी बीच में भाई, इतना सारा मतलब इतना मतलब मुझे अपना घर ही भूल गया मैं किस तरफ है मेरा घर। उसके बाद भाई प्लेजर्स ने मुझे इतना गंदा धोया, पर मैं उनसे बच बचाता हुआ निकल के आ गया भाई, उनको चखमा देकर। भाई वो मेरे सामने कहाँ टिकने वाले हैं भाई, वो एकदम टट्टी नूब कहीं के मेरे से पंगा लेते। गाइस हमारा रेल देखो कितना मस्त लग रहा है गाइस, एक ना कोई दिखाओ ढंग से भाई साहब, कितना ओपी लग रहा है।
यार ये मतलब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से, पर गाइस जो भी आइडिया आया था बहुत तगड़ा लग रहा है। एक मिनट मैं अंदर का जाऊँगा ऊपर। ओके यहाँ से मुझे जाना है ऊपर की तरफ। ओके गाइस चलो फाइनली मैं आ चुके घर यहाँ पे वापस, इन सबको बाद में कलेक्ट करेंगे यहाँ से बाहर। और अभी भी हम चलते हैं सीधा अपने विलेज से घर के पास। ये बहुत शोर मचाते हैं वैसे तो मुझे पता है, इनको तो मैं जान से मार दूंगा एक दिन भाई सब। ये मैं स्लो क्यों चल रहा है भाई, मेरे को बंदे को भूख लगी है, खाना तो खा ले यार फटाफट। तो चलो गाइस फाइनली मैं आ चुका है बहुत सारा सामान लेकर मेरे कास्टल के अंदर, बहुत सारा सामने से। हम एक काम करते हैं, जो सामान हम लेकर आए ना वो पहले से विलेजेस को दे देते हैं और बेड लगा देते हैं ताकि इनको काम मिलता रहे। और ये नल्ले विलेज ना जॉब, इनको जॉब मिल जाए ये नल्ले ढल्ले कहीं के। एक काम करो भाई अपने बेड दो, सारे बेड दो मुझे अपने, और आ जाओ सब घर के अंदर आ जाओ। एक मिनट में उठा क्यों नहीं पा रहा। ओके तो फाइनली मैं उठा इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं उठाने की। एक काम करता हूँ यहाँ से लगाना शुरू करते एक ओके नहीं दो का गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस, एक एक का गैप देते हैं यहाँ पे। उठ जा भाई, उठाता नहीं है एक तो चलो गाइस यहाँ पे भी गलत लग गया यार। तो चलो गाइस फाइनली यहाँ पे लगा दिया बेड भाई। रात हो गई है, फटाफट से अंदर 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 आओ, फटाफट से अंदर आओ सो जाओ। अबे भाई टूट जा, टूट जा भाई टूट जा। अबे हट जा सामने से, हट हट जा सामने से भाई। तो चलो गाइस हमने यहाँ पे फाइनली इतने सारे बेड लगा दिया, और जितने सारे बेड ना गाइस वो सारे लगा देंगे अभी यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे एक और बेड लगने वाला है भाई। गोलम भी सोने के लिए आ गए क्या भाई तुम लोग? बाहर बाहर जाओ बाहर, मैं चाटा ही मारूंगा मैं तुम सबको भी, बहुत गंदा भिड़ोगे तुम लोग। ओके तो अभी ये बेड लग क्यों नहीं रहा ढंग से भाई सब? तुम गोलम हट टट्टी कहीं का। तो चलो गाइस फाइनली मैंने सारे बेड लगा दिए। एक काम करता हूँ, मेरे हाल से ना मेरे पास कुछ येलो बेड्स भी है तो मैं बीच बीच में गैप देकर ना येलो बेड्स को भी लगा देता हूँ इनके साथ साथ। मेरे ख्याल से मेरे पास कितने बेड है, 1 2 3 4 5 6 6 बेड है, तो 2 2 का गैप देकर लगा देते हैं यहाँ पे। ओके तू भी हट, तेरे को लगी उसके लिए सॉरी, पर मुझे कुछ करना था उसके लिए। तो चलो गाइस फाइनली हमें इसको तोड़ना है, यहाँ पे लगाना है। और इस भाई तू भी आ जा यार, कहाँ है थक रही हो इतना ज़्यादा। तो चलो मेरे पास एक और बेड होना चाहिए। ओके यहाँ पे एक और बेड मिल चुका हमें, यहाँ पे हमने एक और बेड लगा दिया। और यहाँ एक मिनट, यहाँ पे हमने लगा देना है एक और बेड। कहाँ पे लगाया वैसे गाइस? यहाँ पे सही है ना, यहाँ पे लगाते एक बेड और यहाँ पे एक बेड। फाइनली गाइस जैसे तो यहाँ पे हमने 2 2 का गैप देके बेड्स लगा दिए फाइनली, और हमें हम भी सो जाते हैं यहीं पे चले। तो अब गाइस अगले सुबह उठ के हमें इन्वेस्ट देना है जॉब इनकी, ताकि जॉब करे और हम उससे ट्रेड कर सके बहुत तगड़े तगड़े सामान। तो एक काम करते हैं, चलो ट्रेड करने के लिए गाइस मुझे चाहिए सबसे पहले इनका। ओके गाइस मेरे पास सामान तो लेकर ही आया हूँ ना मैं। एक काम करता हूँ इनको ना ये सामान पकड़ा देता हूँ, जितने जो भी सामान मेरे पास इस वक्त है। और गाइस एक बेड एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ब्लास्ट फर्नेस भी है और यहाँ पे 3 ये भी है, जितना भी सारा सामान है गाइस एक मैं यहाँ पे रख देता हूँ। भाई ये ले, ये पकड़ पकड़ भाई, ये रहा जॉब तेरा। अबे कुधर कहाँ जा रहा है, ये ले जॉब पकड़ अपना। अबे ये जॉब ही नहीं ले रहा, इसको तोड़ो फिर से। अब इनको एक काम करता हूँ मैं ना यहीं पर लगाता हूँ भाई, जिसको जो जॉब लेनी होगी ना वो ले लेगा भाई। एक जॉब इसकी यहाँ पे है, ये ना मेरे ख्याल से पानी रखने की जगह है, ये किसी की जॉब नहीं ले सकती इससे। तो ये तोड़ ही लेता हूँ मैं। एक काम करता हूँ ये रख देता हूँ कि क्या है इसे क्या कहते हैं। ओके ब्रूइंग स्टैंड, एक ब्रूइंग स्टैंड यहाँ पर रख देता हूँ, एक ब्रूइंग स्टैंड यहाँ पर रख देता हूँ। और जो अपना ब्लास्ट फर्नेस है उसे यहाँ पर रख देता हूँ, और बाकी जो 3 कॉपरेटर है। अब हट गोलम हट, सामने से हट, सामने से हट। ओके गाइस इन्होंने फाइनली गाइस देखो जॉब ले लिया है। ये क्या बना गाइस? ये बन गया है क्लैरिक। ओके गाइस ये हमें रोटन फ्लैश की जगह एम्बुलेंस देगा, और एम्बुलेंस की जगह हमें देगा रेड स्टोन। भाई एक यहाँ पे लगाता हूँ और एक यहाँ पे लगा देता हूँ गाइस, फाइनली हमारे पे लग चुके हैं। और मैं कहता हूँ गाइस बेल भी है, मैंने एक काम करता हूँ बेल भी लगा ही देता हूँ। ओके तो चलो गाइस फाइनली बेल लग चुकी है, मैं बेल बजा सकता हूँ क्या? ओ भाई बेल बजा दी भाई, भागो भागो सब अंदर भागो भाई, सब सब अंदर भग गए देख रहे हो गाइस। ओके यहाँ पर भाई सबने जॉब ले लिया भाई, ये क्या बना है भाई? एक मिनट रुक रुक, तू क्या बना है भाई? मैं मेसन। ओके ये मेसन मेसन बना, जो भी मेसन वेसन यार प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत होती है पर चलेगा यार। और एक और बंदा है यहाँ पे ये। ओके ये क्या बना है भाई? ये बन गया आर्मर। अच्छा आर्मर मेरे ख्याल से मुझे ना आर्मर देगा, तो ये हमें कोल के बदले एमरल दे रहा है। तो गाइस इसको बाद में देखेंगे, अब हम चलते हैं फटाफट से बाहर को। जितना भी सारा सामान है गाइस अपने घर पे वो सारा यहाँ पे लगा देता हूँ। सर तुम्हें अपने पोटेटो फार्म भी देख के आते हैं सबसे पहले, तो हमारा पोटेटो फार्म है, पोटेटो तो उग जाना चाहिए अभी तक। जितना भी सारा सामान है गाइस उसका इन सबको पकड़ा देंगे, ताकि ये लोग अपना काम करते रहे, उनको कोई दिक्कत भी ना हो। मेरे ख्याल से पोटेटो भी उग जाना चाहिए क्योंकि एक दिन हो चुका है पूरा, और मेरे ख्याल से मेरे पोटैटो को कोई भी फर्क नहीं पड़ा इस वक्त। नहीं गाइस थोड़े से बड़े हुए वैसे लग रहे हैं कुछ पोटैटो, तो गाइस चलो कोई बात नहीं देख लेंगे बाद में इन पोटैटो को बड़े होने में। ऐसा लग रहा है बहुत जिंदगी बीत जाएगी मैं यहीं पे खड़ा रह गया तो मेरे भाई। सच में मुझे यहाँ पर खड़ा बिल्कुल नहीं होना। अभी मैं सारा काम करता हूँ ऊपर, जितना सारा सामान है ना विलेजेस का वो सब चले लेकर आता हूँ मैं। हम आ गए ऊपर, मेरे ख्याल से नीचे चश्मे मेरा सारा सामान है यहाँ पे। मेरे पास बहुत सारा सामान है विलेजेस के लिए भाई, सब मैं लेकर तो आया था मैं भूल गया था। देखो ये देखो भाई सब लीटर फर्नेस नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, ये भी चाहिए ये भी चाहिए भाई सब लिटरली यार। एक काम करता हूँ मैं ना ये ब्रूइंग ये भी ले लेता हूँ, और कुछ तो नहीं है ना कुछ काम का सामान हो मेरे विलेज को देने के लिए।
तो चलो भाई यहाँ पे और कुछ काम का सामान तो लग नहीं रहा मेरे विलेज को देने के लिए। ये क्या गाइस, अच्छा स्मूथ ड्राइव तो मैंने विलेज से घर पे लगा रखा है, रूटन फ्लैश है, और बाकी मेरे पास और कुछ सामान नहीं है। तो अब जितना भी सारा सामान है ना गाइस, मैं भी जाकर उन सबको देने वाला हूँ और फिर उनको भाई उनकी ब्रीडिंग करवाऊंगा। तो गाइस उनकी ब्रीडिंग करवाने के बाद वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और उसके बाद इन सबको मिल जाएगी इनकी जॉब और उन सब करेंगे ट्रेडिंग गाइस। और आप लोग कमेंट में से बताना गाइस कि हम इनसे कौन से ट्रेड कौन से काम करवा सकते हैं। वैसे अभी बाहर नहीं आता गाइस देखो, और ये बटन भी नहीं दबाता, अभी बाहर भी नहीं आते। तो चलो गाइस अभी ना एक काम करता हूँ मैं, चलो ना ब्लास्ट फर्नेस, चलो मैं काम करता हूँ। मेरे पास दो ये है, पता नहीं क्या इसे क्या कहते हैं, कार्टियोग्राफी टेबल। तो एक काम करता हूँ, एक कार्टियोग्राफी टेबल यहाँ पर लगा देता हूँ और एक कार्टियोग्राफी टेबल यहाँ पे। चलो इतना काफ़ी है कार्टियोग्राफी टेबल। और उसके बाद मेरे पास चार ब्रूइंग स्टैंड अभी भी है भाई साहब, चार। एक काम कर दो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, भाई काफ़ी इतने ब्रूइंग स्टैंड। और मेरे पास और भी सामान पड़ा हुआ है, एक पड़ा हुआ है स्मूथिंग टेबल। स्मूथिंग टेबल का मुझे पता नहीं क्या काम है, पर स्मूथिंग टेबल को मैं तोड़ देता हूँ पहले यहाँ से। भाई टूटने में तो बड़ा ही टाइम लगा रहा है, कैसे टूटेगा भाई। ओके वुड का, वुड से टूटता है। और यहाँ पे मेरे पास दो ये भी है गाइस, ये पता नहीं क्या कहते हैं इसे, जो भी कहते हैं मैं इनको यहाँ पे लगाता हूँ। और जितना भी सारा सामान है गाइस फटाफट से यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास फेचर, ये फेचर टेबल कहते हैं मेरे ख्याल से इसे। और यहाँ पे मेरे पास एक बचा स्मिथिंग टेबल, उसे मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और क्या कहते हैं यहाँ पे बस क्या पर है, लेक्टन। ओके गाइस इससे लेक्टन मेरे ख्याल से लाइब्रेरियन बनते हैं। एक लेक्टन में लगा देता हूँ यहाँ पे, और एक लेक्टन लगा देता हूँ मैं बिल्कुल यहाँ पे। तो चलो गाइस फाइनली मैंने सब कुछ, हमें सबको जॉब दे दिया। भाई भाई तुम्हारा घर अंदर अंदर जाओ ठीक है। तो सो गाइस मैंने इनको फाइनली सबको मैंने जॉब दे दिए यहाँ पे। पता नहीं अब इन जॉब कौन सी लेने वाले हैं, सबने आपने अपनी जॉब ले लिया। ऑब्वियसली मुझे इनको ब्रीडिंग करा के इनको बड़ा करना है, और हमें और थोड़े बहुत बेड ला के लगाने हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज की वीडियो में इतना ही करने वाला हूँ गाइस। अगर आप लोग कमेंट जरूर बताना कि गाइस इन सब कौन से काम करवा सकते हैं। वैसे अगर वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड दोनों का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।